गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास एंड दिस इज ऑनलाइन मैथ्स क्लास फॉर क्लास 5। स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होगा कल के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 32 के हाफ सम बनाने को दिए थे, दैट मीन्स 1 to 7, एंड मैंने आपसे कहा था कि इसके रेस्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो आज हम लोग इसके रेस्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ मैंने कुछ सम आपके लिए बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर एट इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 and 4/5 टू गेट 2 and 7/10। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 and 4/5 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2 and 7/10 होगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप रिक्वायर्ड नंबर लिख करके 6 and 4/5 से 2 and 7/10 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 34/5 एंड 2 7/10 बन जाएगा 27/10। नाउ 5 10 का एलसीएम 10, हम लोग क्या करेंगे, इसे 68 - 27 41/10 सॉल्यूशन आएगा। एंड फाइनली जब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे द आंसर विल बी 4 whole 1/10। तो इस तरह हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू 7 and 1/6 टू गेट 9 and 1/9। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 and 1/6 में क्या ऐड करें कि 9 and 1/9 हो जाए। तो जब रिक्वायर्ड नंबर निकालना होगा तो हम लोग 9 and 1/9 से 7 and 1/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9 and 1/9 विल बिकम 82/9 एंड 7 whole 1/6 विल बिकम 43/6। अगेन यहाँ पर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा, 9 6 का एलसीएम 18 हो जाएगा। फिर हम लोग इसे कॉमन लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 9 के टेबल में 18 टू टाइम्स में तो 82 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स में तो 43 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दिस वे 35/18 आपका सॉल्यूशन आएगा। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये हो जाएगा 1 whole 17/18। अब यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टूडेंट्स मीना परचेज 12 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। मीना जो है 12 मीटर कपड़े खरीदती है। सी यूज 7/3 मीटर्स ऑफ इट फॉर कर्टेन्स। कर्टन बनाने के लिए वो 7 3/4 मीटर क्लॉथ का यूज करती है एंड सीट बनाने के लिए वो 1 5/6 मीटर क्लॉथ का यूज करती है। अगेन द क्वेश्चन इज हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट। तो टोटल क्लॉथ का लेंथ 12 मीटर है और 7 3/4 यूज किया जा रहा है कर्टन में एंड 1 whole 5/6 यूज किया जा रहा है सीट में। तो हम लोग जो यूज क्लॉथ है पहले उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो उसका वैल्यू आ जाएगा 115/12। नाउ अब क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ जो क्लॉथ का है उससे यूज क्लॉथ के लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दिस वे आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा 29/12 और इसे जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे देन आंसर विल बी 2 whole 5/12। इन दिस वे स्टूडेंट्स आपका ये 12 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इसके 3 सम्स आप सभी के लिए सॉल्व कर दिए हैं। रेस्ट 3 सम्स आप सभी को बनाने हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 13। ओके, आई होप आप सभी इस एक्सरसाइज को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप बना लेंगे। सो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय।